हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और आज मैं आपको कोई रेसिपी बनाकर नहीं दिखाऊंगी, आज मैं आपको ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग दिखाऊंगी। तो यहाँ पहले मैं झाड़ू लगा लूँ छत पर, उसके बाद मैं यहीं पर सिलाई करूँगी। तो ये मेरा ब्लाउज का जो अस्तर का पीस होता है वो है, तो इसको पहले हम नाप लेंगे अपने मेजरमेंट के अनुसार। यह मेरे यहाँ हवा बहुत चल रही है इसलिए कैमरा बार बार हिल जा रहा है। तो हमारी लंबाई 13 इंच है, तो उसका 2 इंच एक्स्ट्रा हम 15 इंच लेंगे लंबाई के लिए। दोनों तरफ से हम नाप ले रहे हैं। उसके बाद पीछे का जो हिस्सा होता है उसमें हम आधा इंच कम करेंगे, मतलब 14.5 इंच लेंगे पीछे, और आगे का हम 15 इंच ले रहे हैं। 13 इंच का हमारा ब्लाउज है तो उस हिसाब से ले रहे हैं। और सीना हमारा 36 इंच है तो उसका 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे हम, उसका चौथाई भाग 9 इंच होता है, और 9 इंच में 2 इंच हम छोड़ देंगे तो 11 इंच का हम नाप ले रहे हैं। बिगनर्स के लिए है इसलिए, क्योंकि क्या होता है ना कि हम बिल्कुल फिट नाप लेते हैं तो कम होने का डर रहता है कपड़े का, तो हम उस हिसाब से कपड़ा बिल्कुल ज़्यादा लेंगे। हम उनके लिए बता रहे हैं जो अभी शुरुआत कर रहे हैं सिलाई सीखने की, तो वो थोड़ा कपड़ा एक्स्ट्रा ही रखें तो सही रहता है, कम होने का डर नहीं रहता। तो इसको हम नाप लेकर आगे पीछे का बी से डिवाइड कर देंगे, और उसके बाद इसको हम फोल्ड कर लेंगे ऐसे। जो खुला हुआ भाग है वो हमारे अपोजिट होगा और बंद भाग हम अपनी तरफ रखेंगे। इसको अच्छे से कपड़े को सेट कर लें। ये देखिए, ये पीछे का भाग है जिसमें मैंने लाइन बना के रखा है। चाहे तो आप बराबर काट लें, बाद में अपने हिसाब से कपड़े को एडजस्ट कर लें। मैं इसमें बराबर ही काट रही हूँ क्योंकि मैं बिगनर्स के लिए बना रही हूँ ब्लाउज, जो भी सीख रहे हैं। तो इसको सेट करने के बाद आप काट लीजिए, लेकिन कपड़े को बिल्कुल चिपका दें, इधर उधर बिल्कुल भी कपड़ा ना हो। तो अभी मैं बराबर ही काट ले रही हूँ आगे पीछे का, बाद में जब कपड़ा हम सिलेंगे जो भी आगे का कम या ज़्यादा होगा उसको हम बाद में सेट कर लेंगे अपने हिसाब से। तो इसको मैं बराबर काट ले रही हूँ। ये देखिए, हमारा कपड़ा बिल्कुल बराबर से रेडी हो गया है। जो इसका बेस है ब्लाउज का बेस जो है वो रेडी है। ध्यान दीजिएगा, अस्तर वाले ब्लाउज के लिए आप सबसे पहले अस्तर पर कटिंग करेंगे और साड़ी के कपड़े पर बात करेंगे। तो ये हमारा बेस तैयार हो गया है। अब हम इसमें अपने गले की और आर्म होल की कटिंग करेंगे। सबसे पहले आप कपड़े को अच्छे से सेट करके रख लें, उसके बाद हम गले के लिए कटिंग करेंगे। अभी हम यहाँ नाप ले रहे हैं कि हमारा 11 इंच है या नहीं। मैंने 11 इंच से थोड़ा सा कम रखा है क्योंकि मेरा 9 इंच से थोड़ा कम नाप था। ये लंबाई भी हमने 16 इंच रखी है पीछे की, सॉरी अभी इसको काटना है इसलिए 15.5 इंच है, इसको काटना है अभी पीछे का हिस्सा। और ये 2 इंच हम गला के लिए ले रहे हैं। आप सामान्य नाप के लिए 2 इंच रखें गला का, क्योंकि ये नाप मीडियम होता है, ना बड़ा होता है ना छोटा होता है, भागने का डर नहीं रहता, और ना ज़्यादा यहाँ ऊपर से गला चौड़ा काट दो तो भागने का डर रहता। और ये गले का जो मुद्दा है आर्म होल के और गले के बीच की जो ये कटिंग है, इसको हम 2.75 इंच रख रहे हैं। नीचे गले की लंबाई हमारी 6.5 इंच होगी। अगर आप 6 इंच का गला तैयार कर रहे हैं तो 6.5 काटें, अगर 5.5 का कर रहे हैं तो 6 इंच काटें। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप जो है गला आपका जितना बड़ा हो उसका 0.5 इंच आप एक्स्ट्रा ले लें काटने के लिए, तो वो आधा मार्जिन में चला जाता है ऊपर। तो इसलिए मेरा 6 इंच का गला है तो मैंने 6.5 इंच 6.5 इंच लिया है। और इसको आप राउंड शेप में सेट कर लेना अपने हिसाब से, जितना भी आप राउंड रखना चाहते हों। ज़्यादा खुला गला रखना चाहते हैं तो उसको थोड़ा सा बढ़ा के आप काटिएगा। और इसके बाद ये आर्म होल की लंबाई है, ये 5.5 इंच है, ये भी मैं मीडियम बता रही हूँ। क्या होता है कि आर्म होल के लिए हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन जब जो ये 5.5 इंच का नाप है ये ज़्यादातर सब नाप में फिट आता है। तो ये मैंने गले का राउंड शेप बना लिया है। अगर आप ज़्यादा गला
बड़ा करना चाहते हैं तो इसको आप लाइन से थोड़ा उधर करके ले आइए गोला करके, तो ये थोड़ा सा चौड़ा चौड़ा टाइप में खुला खुला गला आता है। मुझे ज़्यादा खुला नहीं रखना था तो मैंने मीडियम रखा है। और ये मैंने 5.5 का हाफ इंच जो भी होता है आप नाप लीजिए अपने हिसाब से। तो वहाँ से मैंने इसको राउंड शेप दे दिया है आर्म होल के लिए। और ये गला की कटिंग हम सबसे पहले करेंगे। ये हमारा गला निकल गया है, क्योंकि हमारा आगे का और पीछे का भी कपड़ा इकट्ठा है तो इसलिए सबसे पहले मैं हम आर्म होल की कटिंग पीछे के हिसाब से करेंगे 1/2 इंच लेते हुए। ये हमारा कट गया, अब हम इसको ऊपर से काट के अलग अलग पीस कर देंगे। ये हमारा पीछे का एरिया बाहर हो गया, अब ये आगे का है। अब आगे का आर्म होल कट कर लेंगे हम। कपड़े को आप अच्छे से सेट करके रखें, क्योंकि ये अस्तर की कटिंग जो है इसी के हिसाब से ब्लाउज के कपड़े पर कटिंग होगी, तो इसको आप अच्छे से बिल्कुल सेट करके काटें, बिल्कुल नाप कर बिल्कुल कपड़े को सेट करके बार बार सेट करें। ये मत सोचें कि हम एक बार सेट कर दिए हैं तो उसको फिर ना देखें, आप बार बार कपड़े सेट करें। ये हमारा आगे का एरिया है, इसको हम निशान कर देते हैं, प्लस लगा देते हैं आगे के में, और पीछे के में हम माइनस कर देंगे। इससे हमें पता चले कि कौन सा आगे का है कौन सा पीछे का है। और ये पीछे का गला आप जितना भी रखना चाहते हो अपने लेंथ के अनुसार उतना रख सकते हैं। ये हमने पहले पीछे का नीचे का हिस्सा नाप दिया है कि हमें कितने इंच का ब्लाउज रखना है, हमें 13 इंच का ब्लाउज रखना है, तो उस हिसाब से हम 10.5 काट रहे हैं ऐसे नाप करके। आप इसमें भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऊपर वाला गला ही जो कटिंग रखी है उसी के अनुसार आप इसको शेप दे सकते हैं। इधर भी आप चाहे तो बड़ा कर सकते हैं, चाहे तो आप बिल्कुल फिट अंदर शकरा सा गला कर सकते हैं, ये आपकी इच्छा के अनुसार होगा। फिलहाल मुझे ना ज़्यादा बड़ा रखना था और ना ही ज़्यादा शकरा रखना था, तो मैंने मीडियम इसको कट कर दिया है। ये हमारा पीछे का भी तैयार हो गया है। और ये जब आगे का कपड़ा निकला हुआ था इसमें हम थोड़ा सा जो ये आर्म होल का कपड़ा निकला है इसको हम जोड़ देंगे। जोड़ने से क्या होगा कि अभी इसकी आर्म होल की जो लंबाई होगी वो इसमें कम आएगी, तो इसके लिए हमें कपड़े की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसको मैंने इसमें टक कर दिया है अभी सुई से, इसको बाद में हम पक्की सिलाई कर देंगे मशीन में, जब मशीन से ब्लाउज सिलेंगे तो उस समय इसको भी वो कर देंगे। अब कपड़े को हमने इकट्ठा करके रख लिया है 2 फोल्ड में, अब इसको हम बराबर करते हुए 4 फोल्ड करेंगे। पहले कपड़े को आप अच्छे से मिला के सेट कर दें। यहाँ पर थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा था जो जोड़ा था हमने, तो उसको सेट करके मैंने ये 4 फोल्ड कर दिया है। आप जितना भी आस्तीन की लंबाई रखना चाहते हैं उस हिसाब से आप नाप लीजिए। मुझे 4 इंच की आस्तीन रखनी थी तो मैंने 4 रखनी थी, तो मैंने मुझे 4 ही रखना था। मुझे याद नहीं आ रहा था कितने इंच की मैंने रखी थी आस्तीन। जितना भी आपको आस्तीन रखना है उसका आप 1/2 इंच ज़्यादा ले लीजिए। यहाँ नीचे मैंने 1.5 इंच रखा है, ऊपर मैंने 4 इंच की तो मुझे आस्तीन रखनी है। 4.5 इंच की आस्तीन रखी मैंने कट करने में। अब इसको बराबर से दबा के हाथ से तब कट करिए ताकि कपड़ा इधर उधर बिल्कुल भी ना भागे। ये देखिए हमारी आस्तीन कट गई है। अब इसको हम बीच से कट करके अलग अलग कर देंगे। जी हमारी दोनों आस्तीन रेडी हो गई हैं। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा हो आप अपने हिसाब से उसको निकाल दें। जी हमारी दोनों आस्तीन कट चुकी हैं। अब ये जो आर्म होल का कपड़ा निकला था इसी से हम आगे हुक के लिए पट्टी निकाल लेंगे 4 इंच की। आप चौड़ा ही कपड़ा रखिए, सिलने के बाद अगर आपको ज़्यादा कपड़ा लगता है तो आप उसको निकाल दीजिए। तो ये आगे हुक की पट्टी हो गई है। अब इसको मैंने साड़ी के जो कपड़ा है उस पर इस अस्तर को रख लिया है। अब रखने के बाद इसको आप सुई में तागा डाल करके सुई से अच्छे से इसको चारों तरफ टक कर दीजिए।
इससे ये होगा कि ये कपड़ा बिल्कुल भी भागेगा नहीं और अच्छे से अस्तर के साथ ये कपड़ा अटैच हो जाएगा। ये देखिए मैंने एक तरफ टच कर दिया है, अब दूसरी तरफ भी आप टक कर दें। बिल्कुल अच्छे से कपड़े को सेट कर लीजिए, बिल्कुल भी इधर उधर कपड़ा ना हो। इसी तरह आप थोड़ा सा दूर दूर सुई के साथ इसको टक करते चले जाइए, ये कपड़ा इसी के साथ अच्छे से सेट हो जाएगा, तो ये इधर उधर बिल्कुल भी नहीं भागेगा और आपको कट करते वक्त बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होगी कपड़ा संभालने की और सिलते वक्त भी बिल्कुल नहीं होगी। ध्यान दीजिएगा आपको गला नहीं कट करना है, अभी सिर्फ साइड साइड से निकालना है। गला हम बाद में कट करेंगे, पहले इस कट करने से कपड़ा बिल्कुल बाहर बिखरने लगता है, मतलब उछल जाता है जो उसका रेशा होता है, तो हम गला बाद में कट करेंगे। इसी तरह हम आगे का भी सुई से टक कर लेंगे, उसके बाद कट करके निकाल लेंगे। ये देखिए हमारा आगे का पीस भी निकल आया है। सेम इसी तरह हम आस्तीन का भी रखेंगे और इसको भी सुई से टक कर लेंगे, सिर्फ एक साइड टक करेंगे, इसको ऊपर साइड हम नहीं टक करेंगे क्योंकि हमें आस्तीन ऐसे फोल्ड करनी है। तो इसको हम नीचे नीचे टक करके दोनों आस्तीन निकाल लेंगे। ये देखिए कितनी आसानी से कट जाता है। हमने कपड़ा एक्स्ट्रा काटा है अभी, क्योंकि बाद में पलटते वक्त जो भी कपड़ा एक्स्ट्रा होगा हम उसे निकाल देंगे। तो ये हमारी आस्तीन भी निकल चुकी है। अब हम क्रॉस पाइपिंग के लिए तिरछी पट्टी काट लेंगे, 1.5 इंच की। हम कटिंग पूरी कर लेंगे पहले, उसके बाद सिलाई करेंगे। तो 1.5 इंच की पट्टी निकल आई हमारी। अब यहाँ जो भी कपड़ा बचा इससे हम आई के लिए पट्टी निकाल देंगे। तो हमारी ये कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। ये हमारे दोनों हुक और आई के बटन, ये आस्तीन, ये हमारा पीछे का एरिया और ये हमारा आगे का है। और ये पाइपिंग की पट्टी रख दिए हैं। अब हम आगे की कटिंग कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले क्रॉस पट्टी कटिंग करेंगे। तो क्रॉस पट्टी के लिए हम अस्तर के साइड से मोड़ेंगे, अस्तर ऊपर रखेंगे और कपड़ा जो है साड़ी का उसको अंदर रखेंगे। आपको ये बिल्कुल ध्यान में रखना है कि अस्तर का कपड़ा ऊपर होना चाहिए, अस्तर का कपड़ा अंदर नहीं रखना है, ऊपर की साइड रखना है और साड़ी वाला कपड़ा जो है वो अंदर रहेगा, तभी क्रॉस पट्टी सही आएगी, वरना एक ही साइड की दोनों पट्टियाँ कट जाएंगी। फिर गले से हम रखते हुए नीचे तक नाप लेंगे, 5 इंच से हम यहाँ का निशान लगाएंगे गले की तरफ और 7 इंच इधर आर्म होल की तरफ निशान लगाएंगे क्रॉस पट्टी के लिए, जिसको आप बेल्ट वाला भी बोलते हैं, हम इसे क्रॉस पट्टी बोलते हैं। फिर दोनों निशान को आपस में मिला लेंगे, उसके बाद इसको हम कट कर देंगे। कपड़े को अच्छे से दबाते हुए, बिल्कुल भी इधर उधर नहीं होना चाहिए, ये हमारी बहुत ही इम्पॉर्टेंट कटिंग है। मैंने बिल्कुल बिगनर्स टाइप में बताया है कि आप कैसे करें, बिल्कुल वीडियो में देखते हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे इतनी जल्दी जल्दी सब कट कर लेते हैं, लेकिन आप जब शुरुआत कर रहे हैं तो आप बिल्कुल केयरफुली कट कीजिए, कोई जल्दबाजी मत कीजिए। ये हमारा क्रॉस पट्टी का नीचे का एरिया है, इसको हम बराबर सेट करके बीच से इसको अच्छे से कपड़े को सेट करेंगे। बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है आपको, आराम से आप काम कीजिए, बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें। तो इसको हम अच्छे से सेट करके, आप इसको चाहे उल्टा करें या सीधा करें, ये दोनों एरिया में अच्छे से कटेगा, इससे कोई दिक्कत नहीं। आप जैसे सही आपको लगे वैसे कट कीजिए। तो मैंने अच्छे से कपड़े को मिला लिया है। साड़ी है, साड़ी का कपड़ा अक्सर भागता रहता है इधर उधर, तो आप टेंशन ना करें, अच्छे से मिलाएं उसके बाद कट करें। ये देखिए ये हमारा नीचे का पट्टी कट के रेडी हो गया है, इसको हम साइड में रख देंगे। उसके बाद हम ऊपर, अब ये ब्रेस्ट एरिया है, इसमें हम निशान बनाएंगे चोली का। कट नहीं करेंगे हम पहले, क्योंकि कट करने से फिर नापने में दिक्कत हो जाती है, तो हम पहले निशान लगा लेंगे। ऊपर से हम नीचे 9 इंच पर निशान लगाएंगे, उसके बाद 9 इंच पर ही से हम 3 इंच का ये
साइड का निशान लगाएंगे सबसे पहले। सबसे पहला निशान यही होता है, 3 इंच पर लगना है इसको, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद नीचे 4 इंच पर हम नापेंगे, 4 इंच से नाप के हम ऊपर से ले लेंगे इसको 2 इंच तक। ये देखिए, उसके बाद ये हम ऊपर से नाप करके दिखा रहे हैं आपको कि 9 9, हाँ शायद 9 ही है, मुझे दिख नहीं रहा सही से क्योंकि मैं सिर्फ जो देख रही हूँ उसी के हिसाब से आपको बता रही हूँ। तो आप ऊपर का ऐसे गोलाई करते हुए निशान लगा लें चोली का। जब आप लगाने लगेंगे तब आपको समझ आ जाएगा, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना रहता, आप अपने हिसाब से निशान लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आपके ब्रेस्ट के अनुसार इसकी जो लाइनें होती हैं उस हिसाब से बनाई जाती हैं। ये देखिए पूरा कंप्लीट हो गया है ये। इसी के हिसाब से हम उधर भी लगा लेंगे निशान, और ये बीच से मैंने कट कर दिया है। तो आप इस प्लेट को लगाने में कोई भी गड़बड़ी मत कीजिए, कोई भी जल्दबाजी ना करें, ये आराम से हो जाता है। अगर इधर उधर भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है इससे। तो ये हमारा कटिंग कंप्लीट हो गया है, अब हम चलेंगे सिलाई करने के लिए। वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो रही है, इसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा, क्योंकि मैं चाहती तो सिर्फ कटिंग दिखाती, लेकिन मैंने सोचा कि वीडियो कोई देख रहा है तो कटिंग और स्टिचिंग दोनों देखें। तो ये हम पहले निशान को देख ही लीजिए, चारों बने हुए निशान चोली के, तो इसको हम आधा आधा इंच के हिसाब से तिरछा करते हुए निशान लगा लेंगे। ये देखिए मैंने चारों निशान पर सिल लिया है। उसके बाद हम क्रॉस पट्टी की जो नीचे की पट्टी हम कट करके रखे हैं इसको उठाएंगे। और ध्यान करना है आपको कि आपको उल्टा जोड़ना है इसको। तो ये जो चौड़ा वाला एरिया है ये गले की साइड रहेगा, और जो ये पतला वाला एरिया है वो इस साइड रहेगा आर्म होल की तरफ। तो इसको आप अच्छे से कपड़े को मिला लें, उसके बाद शिफ्ट करते हुए इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक सिलाई कर लीजिए। ये देखिए सिल गया है हमारा। इसके बाद हम सिलाई बैठाने के लिए ऊपर एक सिलाई लगाएंगे। एक सिलाई हमारी लग गई है, अब उसको आधा इंच छोड़ते हुए एक सिलाई लगाएंगे सीधी, थोड़ी मजबूती भी रहेगी और इसका डिज़ाइन भी बन जाएगा, तो एक अच्छा सा लुक आएगा। तो ये हम सिलाई लगाए ले रहे हैं। बिल्कुल आप सावधानी से सिलें, ज़रा भी जल्दबाजी ना करें, सिलते सिलते आपका भी हाथ बैठ जाएगा। तो ये देखिए हमारा एक पोर्शन बन के रेडी हो गया है। ये देखिए बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगी, जब भी आप सिलने लगेंगे आपका भी हाथ बैठ जाएगा। तो ये गला का जो एरिया है अब हम इसको कट करेंगे। पहले ये हम साइड में जो एक्स्ट्रा कपड़ा है क्रॉस पट्टी का इसको हम निकाल लेंगे। ये देखिए हमने गला का भी कट कर दिया है कपड़ा, और साइड में भी बराबर कर दिया है। दोनों पीस रेडी कर लेंगे। उसके बाद हम आई और हुक की पट्टी लगाएंगे। तो ये हमारी हुक की पट्टी लग गई है। उसके बाद ये आई की पट्टी है, ये भी हमने लगा ली है। मैं थोड़ा फास्ट दिखा रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होती जा रही थी। अगर आप डिटेल में चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर पूरी सिलाई डिटेल में दिखाऊंगी। तो ये हमारा दोनों पोर्शन तैयार हो गया है। अब इसका हम गला ये पीछे का है, हम इसका गला कट करके निकाल देंगे। उसके बाद भी उल्टा रखते हुए ये कपड़ा हम मिला लेंगे। ध्यान करना है हमें गला के एरिया गला की तरफ ही रखना है, और आर्म होल का आर्म होल की तरफ रखना है। तो ये आप अच्छे से मिला लें दोनों तरफ का रख के। ये देखिए उल्टा रखना है आपको, और गला को मिलाना है, और आर्म होल को आर्म होल से मिलाना है। दोनों को ऊपर सिलाई कर लेनी है। ये देखिए हमने सिलाई करके पलट लिया है। अब हम आस्तीन लगाएंगे। हमने आस्तीन बना के रख ली थी। ये देखिए हमारे आस्तीन लग चुकी हैं। अब हम पाइपिंग लगाएंगे। तो ये हमारे पाइपिंग लग गई है, हो गई हैं, पिन लग गई है।
ऑलमोस्ट मेरा ब्लाउज कंप्लीट हो गया है। ले रहे हैं अब इसको पलट ले। अभी हमें पीछे का जो सिलाई रहता है उसे लगाना है। तो ये देखिए, ये जो 5.5 इंच के हमने और ये हम 1.5 इंच के लगाने के लिए निशान, ये हमारी 15.5 इंच का जो सिलाई रहता है, आधा आधा इंच हम इसे सिलाई कर लेंगे इसकी। तो ये हमारी सिलाई लग चुकी है, बन के रेडी है। इसको पलट लेंगे फिर से और जोर लगा ले, सिलाई होती है फिटिंग की वो लगाएंगे। तो हमने अपने हिसाब से नाप लिया है साइड की फिटिंग वाली सिलाई, तो इसको लगा लेंगे। ये हमारा ब्लाउज बनके रेडी हो गया है पूरा। उसके बाद हम कंप्लीट पीछे का एरिया मोड़ दिया। अभी इस पर हम प्रेस मारेंगे तो ये बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। हो गया। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।